अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, दिस इज मी आफीफा खान, वेलकम टू माय चैनल। आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने मैंने अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आज हम जा रहे हैं दोबारा से मालूम करने के लिए। कुछ पेपर रह गए थे वो सबमिट करना है। अप्लाई हमने काफ़ी पहले से किया हुआ है। हम जा रहे हैं पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस पोर्टलीस, और पोर्टलीस जो है मॉरिशस का मेन सिटी है, मेन टाउन है, बड़ा टाउन है, और ये समझ लें कि कराची में जैसे कि सदर सिटी है वैसे ही ये बड़ा सा मार्केट एरिया है, और बहुत कंजेस्टेड, बहुत रश वाला इलाका कहलाता है। हमारे लिए तो इतना रश वाला इलाका नहीं है, लेकिन यहाँ ये कंजेस्टेड और पोल्यूटेड एरिया बहुत क्राउड वाला इलाका कहलाता है। तो मेरे हस्बैंड इस तरह के इलाकों में जाने से पहले ना बहुत अवॉइड करते हैं, और किसी ना किसी को या तो ड्राइवर हायर कर लेते हैं या किसी ना किसी का इंतजाम करते हैं जो यहाँ पर ड्राइव करें। वो खुद कभी यहाँ ऐसी जगहों पर ड्राइव नहीं करते, अवॉइड करते हैं, मोस्टली ड्राइविंग से ही अवॉइड करते हैं और ड्राइवर हायर कर लेते हैं। तो अभी हम पोर्टलिस में हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे पहले ही बताया था कुछ मिसिंग है, तो वो हमें सबमिट करने थे, और मुझे अपने हस्बैंड को यहाँ ड्रॉप करते हुए मुझे बैंक के भी कुछ काम है वहाँ से। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है, इशू होता है पार्किंग। हम जो एरिया होता है स्पेशली वहाँ जाकर हमें पार्क करना होगा, फिर वापस बाई वॉक ऑफिस आना होगा। हस्बैंड को मैं ड्रॉप करूँगी इमिग्रेशन ऑफिस, मुझे कुछ बैंक का काम है आज, और कंटिन्यू करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। और आज जो हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो हैं भाई आनंद, अंकल आनंद। वो हमारे बहुत अच्छे नेबर्स हैं, और आज़म के बहुत करीबी दोस्त के अबू हैं, फादर हैं। वो अक्सर आपने उन्हें हमारे साथ देखा होगा गाड़ी ड्राइव करते हुए, बहुत अच्छे नाइस इंसान हैं, और बहुत पोलाइट, बहुत ही कोऑपरेटिव और अच्छे नेबर्स हैं। तो अक्सर ये हमारे साथ हमारी वीडियो में आपने देखा होगा। इनका इंट्रोडक्शन मैं बाकायदा तौर पर लास्ट में करवाऊँगी। इस वक्त मैं पोर्टलिस का थोड़ा सा आपको इंट्रो करवा दूँ। देखिए यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है ना बैक साइड पर, अच्छा हम आ गए हैं यहाँ पर ऑफिस, इस ऑफिस, ठीक है, यहाँ मैं अपने हस्बैंड को ड्रॉप करूँगी पासपोर्ट ऑफिस, उसके बाद हम बैंक जाएंगे। और अच्छा ये पासपोर्ट और इमिग्रेशन ऑफिस है, यहाँ हमारा पहले ही इंटरव्यू हो चुका है, जो मैंने आपसे कहा था कि इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूँगी अपने कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह। यहाँ बिल्डिंग्स वगैरह में बहुत जहाँ पे क्रियोल या फ्रेंच में लिखा हुआ होता है, जो कम टाइम पढ़ने में मुश्किल होता है फ्रेंच और क्रियोल। तो आप देख सकते हैं क्रियोल में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सम टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्रियोल वगैरह में ना, लैंग्वेज में समझने में सम टाइम। मॉरिशस में लोग ज़्यादातर क्रियोल, इंग्लिश, फ्रेंच, फ्रेंच ज़्यादातर फ्रेंच और क्रियोल समझते हैं, और थोड़ी बहुत भोजपुरी इंग्लिश भी यहाँ पे बोली जाती है। लेकिन पोर्टलिस एक मेन सिटी है जहाँ पे अहम इमारत हैं, सारी अहम बिल्डिंग्स हैं, लाइक सिटी काउंसिल, गवर्नमेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब अहम इमारत यहीं पर ही हैं। हमारे साथ जो है भाई आनंद है, ही कैन स्पीक हिंदी ऑल्सो, क्रियोल, इंग्लिश ऑल्सो। हम से बतियाते हैं भोजपुरी, भोजपुरी ऑल्सो, भोजपुरी बोल सकते थोड़ा, तो हम बतियाते हैं भोजपुरी ऑल्सो, और हिंदी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलते हैं हिंदी में, उर्दू भी बोलते हैं। और ये जब कहते हैं बेटी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप मुझे अपना बताएं, आप अपनी मिसेस फीफी से कब मिले थे फर्स्ट टाइम, जब आपकी शादी नहीं हुई थी? ये पर्सनल क्वेश्चन है, बहुत ही जाती है सवाल है। बहुत पानी बहुत भूल गए,
भूल गई है। ओह 45 years। 45 तो वेडिंग एनिवर्सरी पे जब शादी की सालगिरह मनाते हैं। मैं और बीवी एक ही शॉप में काम करती है वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जॉब करते थे एक साथ? हाँ, शॉप में काम करते हैं। शॉप में काम करते थे वहाँ, आपने एक दूसरे को पसंद किया और शादी। चले, और शादी बहुत अच्छी चल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितनी 40 कितने साल हो गए? 45 ईयर्स अगो। चले, तो आपकी मिसेस फीफी, उनका रियल नाम क्या है, असली नाम क्या है? रवीनिया। रवीनिया, वाओ, रवीनिया का मतलब अच्छा। आपको पता है कि मेरा रियल नाम जो है अफीफा है, और मुझे घर में सब फीफी कहते हैं। अच्छा, मैं मुझे सब फीफी पुकारते थे मेरे घर में प्यार से। ना मेरा एक चैनल जो है वो फीफी के नाम से ही है, मैं शेयर करूंगी अगर आप अपना ना कोई व्हाट्सएप नंबर देते हो। तो ये वीडियो जो आएगी वो मेरे दूसरे व्लॉग में आएगी जिसमें मेरा अफीफा खान के नाम से नाम है। हाँ, वो कौन सी शॉप है, क्या नाम है, भूल गई, मंजू, हाँ मैं भूल गई। Okay. तो हम आज अभी पता नहीं आजम की जल्दी फारिग ना हो जाए। अंकल आनंद को सब भाई आनंद कहते हैं, तो हम भी भाई आनंद ही कहते हैं, इसलिए आप सभी भाई आनंद कहते हैं इन्हें। अच्छा, आज मुझे फ्लू हुआ है इसलिए थोड़ा सा एक्सक्यूज करती हूँ, आवाज़ मेरी थोड़ी सी खराब हुई हुई थी और आपने महसूस भी किया होगा। अभी हम पोर्टलिस में यही देखें, ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन दिखा रही हूँ और ये नई बिल्डिंग्स बन रही है, नया स्टाइल भी, कंस्ट्रक्शन का स्टाइल भी इंट्रोड्यूस हुआ है। अब नई बिल्डिंग्स काफ़ी बन रही हैं, 3-4 साल में काफ़ी चेंजिंग्स आई है मॉरिशस में। ये पोर्टलिस का सारा हिस्सा है, ये पहाड़ी वगैरह सब पोर्टलिस का हिस्सा है, बहुत ग्रीनरी है। हमारे जैसे सदर में इतना कंजेक्टेड और प्लटेड होता है, यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी जब मेरे हस्बैंड पोर्टलिस आते हैं तो वो कहते हैं कि पोल्यूशन की वजह से उनके सर में दर्द हो गया, हेडेक हो गई है और वो बर्दाश्त ही नहीं करते, यहाँ बहुत क्राउड है, ट्रैफिक है, इस वजह से। तो अगर ये कराची में होंगे तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए कितना सुकून है, आप नोटिस करें हॉर्न की आवाज़ आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, कोई यूज़ ही नहीं करता है हॉर्न, बहुत कम, बहुत ही रेयर मैंने देखा है यहाँ पे। कुछ यहाँ पे रूल है ट्रैफिक के, मतलब हर जगह आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की हुई, यहाँ पे स्पेस है काफ़ी अच्छा, तो यहाँ पे पार्क की हुई है और बाय वॉक हमने जहाँ जाना है फिर वहाँ चले जाते हैं। पार्किंग और ट्रैफिक के काफ़ी रूल हैं यहाँ पे। सो इस वक्त हम, पहले ही मैंने बताया आपको, ये हम मॉरिशस के सबसे बड़े शहर में हैं। मॉरिशस कंट्री ही बहुत छोटी है, तो उसके शहर या टाउन बहुत छोटे छोटे से हैं। शहर में ये सिर्फ पोर्टलिस को शहर कहा जाता है, लेकिन और भी अभी बताया जाता है कि और भी शहर जो टाउन थे ना शहर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें से कुछ मुझे याद है 10 या 12 कह रहे हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कहीं 10 हैं आई थिंक, और जिनके नाम कुछ यूँ हैं, क्यूपिप, फ्लिक, मोका, ब्लैक रिवर, गुडलैंड, पोर्टलिस में तो हम खड़े हैं, कैटाबोन, बाम्बूस एंड बुबासा, रोजिल में हम लोग रहते हैं, उन्हें बुबासा में हम लोग रहते हैं। तो यही मुझे इस वक्त याद है, बाकी मैं लिस्ट में दे दूंगी जो उनके टाउन हैं बड़े। एक म्यूजियम है पोर्टलिस में और दूसरा है मेलबोर्न में, माई बॉम। तो वो किसमें, हमारी कार्ड का नहीं, दो म्यूजियम है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस म्यूजियम में क्या है? सेम चीज़ें, फिश वगैरह ना, यहाँ मैंने देखी थी शार्क। अच्छा, ये वाला तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मैं हाँ क्या, यहाँ फिश थी, शार्क फिश है, टर्टल था यहाँ पे और शार्क फिश के जो थे शार्क फिश और मुख्तलिफ थी मछली को आप लोग क्या कहते हैं, मछली फिश को क्या कहते हैं, फिश को क्या कहते हैं, क्रियोल में फिश को क्या कहते हैं, मछली, हाँ क्रियोल, 500 बहुत, हाँ सब देखा देखा था।
मौसम अच्छा हो गया है और क्लाउड थोड़े आ गए हैं। मैं तो बहुत गर्मी हुई हुई थी अच्छी खासी। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं एक बैंक भी जाऊँगी अपने अकाउंट के सिलसिले में। मेरा और हस्बैंड के साथ में ज्वाइंट अकाउंट है, तो वहाँ प्रोसेस जब शुरू हुआ आज तो पता चला कि पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही साथ ही उनके साथ मसले मसाले शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि अब आप ना ये प्रोसेस शुरू करके लाएँ और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की उन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी। और वहाँ के स्टाफ में से एक बंदा मेरे हस्बैंड को साइट में लेके उन्होंने समझाया कि ना ये पासपोर्ट है, वैसे मसला और किसी और कंट्रीज़ के होते तो ये प्रोसेस सिर्फ 4 दिन में कम्प्लीट हो जाता और आपका अकाउंट हो जाता, लेकिन यहाँ से है ना पाकिस्तानी पासपोर्ट था तो लिहाजा वहाँ पे कुछ उनके डाउट शुरू हो गए हैं और कुछ उन्होंने और भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवानी। तो बहरहाल आज तो काम नहीं हुआ है, और डिफरेंट हमने बैंक्स में भी ट्राई किया है तो लेकिन सारे प्रोसेस शुरू होंगे तो एक टाइम लगेगा जाहिर सी बात है। तो बहरहाल यहाँ से फारिग होकर हम जाएंगे, इसके बाद एनी वे फारिग होकर तो हम जा रहे हैं मंजू से मुझे घर की कुछ एसेसरीज लेनी है लाइक फुट मैट वगैरह और कुछ टावल और बहुत सी चीज़ें मुझे अभी लेनी है और उसके बाद हम जाएंगे घर। लेकिन मंजू की मैन जो एक उनका फ्रेंचाइज और सॉरी उनकी आउटलेट जो है ना एक बहुत बड़े मॉल में, उसकी भी इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। क्या आज़म नहीं आ रहे? नहीं नहीं वहाँ पर मंजू पर थे। आज़म आप पहुँच भी गए? सो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मंजू पहुंच चुके हैं और अब हम भी जा रहे हैं अपने वहाँ पे अपनी शॉपिंग करेंगे। उसकी वीडियो शॉपिंग की वीडियो अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी और इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।